दोस्तों, अगर आप 12th क्लास में हो और आप भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो कि आपको GNM करना चाहिए या फिर BSc नर्सिंग करना चाहिए, तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए। वीडियो के एंड तक आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपको GNM करना है या फिर BSc नर्सिंग करना है। और वैसे फाइनली लास्ट में मैं मेरा डिसीजन ज़रूर बताऊँगा कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। अब बात करते हैं GNM और BSc नर्सिंग में डिफरेंस। तो देखिए, पहला डिफरेंस है, BSc नर्सिंग एक 4 साल का कोर्स है और ये एक डिग्री कोर्स है, जबकि GNM है वो 3 साल का कोर्स है। इसके अंदर 6 महीने की इंटर्नशिप है, जबकि ये एक डिप्लोमा कोर्स है। पहला डिफरेंस यही हो गया, BSc नर्सिंग एक डिग्री कोर्स है जबकि GNM एक डिप्लोमा कोर्स है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो BSc नर्सिंग के अंदर क्या होता है, आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो, चाहे वो हार्ट पढ़ो, ब्रेन पढ़ो, लीवर पढ़ो, उसमें क्या होगा, आपको एक डीप नॉलेज मिलती है, आपको एक पूरी संरचना, पूरी स्ट्रक्चर पढ़ने को मिलती है। जबकि GNM में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी उसकी ऊपरी स्तर से भी आपको नॉलेज मिलती है, आपको जो डीप नॉलेज है वो वहां पे प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात कर लेते हैं, आगे स्कोप की बात कर लेते हैं कि GNM और BSc नर्सिंग करने के बाद क्या स्कोप होता है। अगर आप BSc नर्सिंग करते हैं तो आप किसी भी सेक्टर में जाके काम कर सकते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, रेलवे हो, आर्मी हो, टीचिंग हो। जबकि आप GNM करते हो तो आप एक एज ए नर्स के रूप में हॉस्पिटल के अंदर काम कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, BSc नर्सिंग और GNM कौन कौन कर सकता है। तो देखिए, BSc नर्सिंग का जो कोर्स है, उस कोर्स को 12th के अंदर अगर कैंडिडेट के PCB है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तो ही वो इसको कर सकता है। अगर आप GNM करना चाहते हैं तो आपके 12th के अंदर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसके अलावा अगर आप आर्ट्स कॉमर्स से भी हैं तो भी आप GNM कर सकते हो। तो यहाँ पे डिफरेंस समझ सकते हो, BSc नर्सिंग सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी वाला कर सकता है, जबकि GNM बायोलॉजी, आर्ट्स, कॉमर्स, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट वाला कर सकता है। पर किसी किसी गवर्नमेंट कॉलेज में ज़रूर रूल्स और रेगुलेशन होते हैं कि सिर्फ GNM है वो बायोलॉजी वाला ही कर सकता है, वो कोई कोई गवर्नमेंट कॉलेज में, बाकी हर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ऐसा नियम कहीं भी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, GNM और BSc नर्सिंग के बाद अगर आप कोई सेंट्रल जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो तो उसमें क्या डिफरेंस है। BSc नर्सिंग में क्या होता है, आपने जब BSc नर्सिंग कर रखे तो आप डायरेक्ट सेंट्रल जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट वहीं अगर बात करते हैं GNM की, तो GNM करने के बाद आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप एक सेंट्रल जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, सेंट्रल जॉब अपॉर्चुनिटी तभी आपको मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं फीस की, कि BSc नर्सिंग और GNM कोर्स के अंदर फीस किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है। तो BSc नर्सिंग की लगभग 70,000 प्लस फीस है, वहीं अगर बात करते हैं GNM की, तो GNM की 50,000 प्लस फीस है। देख सकते हो फीस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज़्यादा कहीं डिफरेंस नहीं है। और वैसे कई कई गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग ऊपर नीचे है, कई प्राइवेट कॉलेज में लगभग ऐसे है। तो देख सकते हो फीस पूरा क्लियर कर दिया, BSc नर्सिंग और GNM। नेक्स्ट बात करते हैं हायर स्टडी की, BSc नर्सिंग और GNM करने के बाद कौन कौन सी हायर स्टडी आप कर सकते हो। अगर आप BSc नर्सिंग करते हो तो उसके बाद में आप MSc नर्सिंग, PhD, इन सब एरिया के अंदर जाके आप हायर स्टडी कर सकते हो। और इसके अलावा हॉस्पिटल के साथ साथ ही आप टीचिंग के अंदर भी अपना अच्छा करियर बना सकते हो। वहीं अगर बात करते हैं GNM की, तो आपने GNM कर रखा है तो आपको हाई ग्रेजुएशन कोर्स करने के लिए आपके पास 2 साल का कोर्स होना चाहिए, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप MSc नर्सिंग कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं रेपुटेशन की, तो आप देख सकते हो अगर आपने BSc नर्सिंग कर रखा है तो आप कोई भी हॉस्पिटल के अंदर जाओगे, वहाँ आपकी रेपुटेशन सीनियर के रूप में होगी, आपकी रेपुटेशन ज़्यादा होगी। वहीं अगर बात करते हैं GNM की, तो अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो GNM कर रखा है तो रेपुटेशन आपकी थोड़ी सी कम होती है। अगर वहाँ पे कोई कैंडिडेट BSc नर्सिंग का है तो ज़्यादा जो रेपुटेशन है उसको मिलेगी, GNM कैंडिडेट को रेपुटेशन कम मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी की, ओबीएससी बात है, जहाँ रेपुटेशन ज़्यादा होगी तो सैलरी भी वहाँ पर ऑटोमेटिक ही आपकी ज़्यादा होगी, रेपुटेशन ज़्यादा है तो सैलरी भी ज़्यादा होगी, अगर रेपुटेशन कम है तो सैलरी भी कम होगी। पर क्या होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, BSc नर्सिंग और GNM के अंदर सैलरी लगभग सेम ही होती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक मोस्ट कन्फ्यूजन है कि GNM बंद होगा या नहीं होगा। तो देखिए, GNM का जो कोर्स है वो कहीं भी बंद नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के आगे से ऑर्डर आ चुका है कि अगर एक डिग्री कोर्स होता है तो उसके पैरेलल एक डिप्लोमा कोर्स भी चलना चाहिए, इसलिए GNM का कोर्स है वो कहीं भी बंद नहीं होगा। अब देखिए, मैंने मेन पॉइंट आपको समझा दिए GNM और BSc नर्सिंग के डिफरेंस, यहाँ पे मैंने पूरा समझाया कि BSc नर्सिंग 4 साल का कोर्स है। वहीं अगर बात करते हैं GNM की, तो GNM 3 साल का कोर्स है और इसके अलावा एक डिप्लोमा कोर्स है। अब देख सकते हो, अगर आप BSc नर्सिंग करते हो तो आपको डायरेक्ट जो डिग्री है वो 4 साल में मिल जाएगी, और अगर आप उसी डिग्री के बराबर पहुंचना चाहते हो तो आपको 2 साल एक्स्ट्रा और लगाने पड़ेंगे, 5 साल पूरे लगाने के बाद आप BSc नर्सिंग की डिग्री के बराबर आ सकते हो।
वैसे तो दोस्तों आप जान ही गए होंगे आपके लिए बीएससी नर्सिंग बेस्ट है या फिर जीएनएम बेस्ट है। इतने सारे मैंने पॉइंट ऑफ व्यू बताए, उस हिसाब से आप खुद डिसीजन अब ले सकते हो कि आपके फ्यूचर के लिए बीएससी नर्सिंग बेस्ट है या फिर जीएनएम बेस्ट है। खुद आप अपना डिसीजन ले सकते हो, पर फिर भी मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ आपको जो ट्वेल्थ के बाद बीएससी नर्सिंग कोर्स ही चूज करना चाहिए जीएनएम की बजाय। क्यों करना चाहिए? इसके पीछे रीज़न ये कि बीएससी नर्सिंग एक डिग्री कोर्स है जो कि आप 4 साल के अंदर आपको मिल जाएगा, जबकि आपको उसी डिग्री कोर्स के बराबर उसी लेवल में पहुंचने के लिए अगर आप जीएनएम सेलेक्ट करते हो तो आपको 2 साल एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। आप देख सकते हो बीएससी नर्सिंग का कंप्लीट है वो डिग्री है 4 साल में आपको मिल जाएगी, वहीं अगर जीएनएम करने के बाद आप उसी लेवल में आ रहे हो तो आपको कंप्लीट 5 साल लगेंगे। यहाँ पर आप अपना 1 साल पूरे तरीके से वेस्ट कर रहे हो, ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही गलत है। तो दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाता है, अगर ट्वेल्थ के अंदर बायोलॉजी है तो उस कैंडिडेट को बीएससी नर्सिंग करना चाहिए, अगर वो जीएनएम करता है तो फिर वो एक गलत है, उसको बीएससी नर्सिंग ही करना चाहिए। अगर इतने सारे डिफरेंस देखने के बावजूद, उसको ये सब पता होने के बावजूद भी अगर वो जीएनएम करता है तो वो अपने फ्यूचर के लिए गलत कर रहा है। वहीं अगर बात करते हैं एक आर्ट्स के लिए, कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको जीएनएम ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बीएससी नर्सिंग में तो स्पेशली अलाउ है कि बायोलॉजी वाले ही कर सकते हैं। उस कैंडिडेट के लिए तो फिर भी अगर ये सब करना है वो कर सकता है, बट अगर बायोलॉजी है ट्वेल्थ के अंदर फिर भी अगर आप जीएनएम कर रहे हो तो आप फ्यूचर के लिए एक बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। दोस्तों फाइनली मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है कि आपको ट्वेल्थ के बाद में बीएससी नर्सिंग करना चाहिए या फिर जीएनएम करना चाहिए। मैंने आपको पूरा बताया है कि अगर आपके ट्वेल्थ में बायो है तो क्या करना चाहिए, अगर आपके ट्वेल्थ में आर्ट्स है तो क्या करना चाहिए। फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं कि अगर आप नॉलेज के हिसाब से देखना चाहते हो, टाइम के हिसाब से देखना चाहते हो, रेपुटेशन के हिसाब से देखना चाहते हो, हर एक पॉइंट को अपन ने अच्छे से डिस्कस किया है। तो इस हिसाब से फाइनली आप खुद डिसीजन ले सकते हो और आपको खुद को ही डिसीजन लेना होगा। अगर आपका इंटरेस्ट जीएनएम के अंदर है तो फिर आपको जीएनएम ही करना चाहिए, और अगर आपका इंटरेस्ट बीएससी नर्सिंग के अंदर है तो बीएससी नर्सिंग ही करना चाहिए। अब बात यह आती है कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम। आप जो भी कोर्स सेलेक्ट करते हो प्लीज़ ये वीडियो देखने के बाद इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपने जीएनएम सेलेक्ट किया या फिर बीएससी नर्सिंग सेलेक्ट किया। आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके अलावा जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड नए अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही बेल आइकन को हिट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।